हेलो दोस्तों, मिष्टी फूड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमने दो बॉयल आलू से बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया नमकीन बनाई है। आप भी घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए हमने कैसे बनाया है दो बॉयल आलू से भुजिया नमकीन। इसके लिए हमने दो बॉयल आलू लिया है। अब आलू को एकदम ठंडा कर लेना है, जिसमें गर्म आलू नहीं लेना है आपको। इस तरह से कम से कम दो घंटा पहले आप इसको बॉयल करके एकदम ठंडा कर लीजिए। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस एकदम पतले दांत वाला रहना चाहिए। देखिए हमने आलू को कद्दूकस करके रख लिया है। इसमें मसाला डालेंगे, जिसमें हम सारे मसाले को आपको चाल लेना है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे नमक, फिर डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और फिर कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा का पाउडर। सब कुछ हमने चलने में डाल दिया। अब इसको हम चाल लेंगे। ऐसे खड़ा आप मत डालिएगा, क्योंकि ये नमकीन बनाने में दिक्कत होगी। इस तरह से चलनी से आपको चाल लेना है कि ज़रा भी गांठे ना रहे। इसके बाद हमने 100 ग्राम बेसन लिया है। अब बेसन को भी हम अच्छे से चाल लेंगे। ज़रा भी गांठे नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से आपको चलनी से चाल के ही सारे मिश्रण को तैयार करना है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच। अब आलू में ही सारे बेसन को और मसाले को हम मिक्स करेंगे। और इस तरह से अगर ज़्यादा जैसे आटे का डो तैयार करते हैं रोटी बनाने का, उस तरह से डो आपको बनाना है। कड़ा डो नहीं बनना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए। और देखिए हमने डो तैयार कर लिया है। हमने भुजिया बनाने के लिए, नमकीन बनाने के लिए हमने मशीन ली है। इसको हम तेल से थोड़ा ग्रीस करेंगे। हर तरफ आपको ऑयल लगा देना है। और इसमें हम ने देखिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और इसके बाद हम बेसन का जो हमने डो तैयार किया है, आलू और बेसन का, हाथ में ले करके इस तरह से लंबा लंबा आपको बना लेना है। और इसके बाद हम इसको मशीन में डाल। अब इसके बाद हमने कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल। और तेल हमारा गर्म हो गया है। हमने मशीन को बंद कर दिया। और इस तरह से हम मशीन को ऊपर से चलाते हुए आप घुमाते जाइए। इस तरह से आपकी भुजिया नमकीन आलू भुजिया बन करके तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया मशीन से। अब इसको मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है। आँच को आप ज़्यादा तेज़ करके मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो भुजिया आलू भुजिया आपकी बहुत जल्दी लाल हो जाएगी और जलने लगेगी। इसलिए हल्के आँच में ही आपको इस तरह से पका लेना है। इस तरह चलाते जाइए। देखिए हमारी नमकीन बन करके तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमको निकाल लेना है। बस ध्यान देना है कि आँच ज़्यादा तेज़ ना रहे, क्योंकि बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं। इस तरह से हम देखिए हमने निकाल लिया है। बाकी बचे हुए बेसन का भी हम इसी तरह से मशीन से आलू भुजिया बना लेंगे। देखिए हमने दूसरा पार्ट भी निकाल लिया। और इसी तरह से आपको आलू भुजिया बना करके तैयार करना है। हमने बाकी जितने बेसन का हमने आलू मिश्रण तैयार किया था, इस तरह से हमने सभी का आलू भुजिया बना करके तैयार कर लिया। इस तरह से आप कभी भी आपको मन करे तो आप चाय के साथ बहुत ही आसानी से आलू भुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा ही बन करके तैयार होता है। अब देखिए इस ठंडा होने के बाद थोड़ा हम इसको दबा करके तोड़ देंगे हल्के हाथों से। अब देखिए इस तरह से हम नाश्ते के प्लेट में निकाल लिया है। इसको आप चाहे तो बिना मूँगफली डाले, या तो आप मूँगफली डाल के जैसे मन करे आप बना करके खा सकते हैं। अब बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल मार्केट की तरह आलू भुजिया बन करके तैयार होती है। आप भी बना के ट्राई कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।